अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसे अल्टकॉइन के बारे में जो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको दे सकते हैं एटलीस्ट 10x का प्रॉफिट। गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जिसका नैरेटिव अभी तक आया नहीं है, यानी जो करंट हमारा बुल रन चल रहा है उसका नैरेटिव अभी तक हमने नहीं देखा है। और हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आने वाले जो टाइम होगा, आने वाला जो 6 मंथ्स रहेगा, उस 6 मंथ्स के अंदर हमको उन कॉइन्स के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो इतना ही बोलूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपने देखना है बिल्कुल एंड तक। और जो लास्ट टाइम गिव अवे हमने किया था, ठीक है, उसकी गिव अवे के जो यूजर्स थे वो यहाँ पर लोड कर लेते हैं, देखते हैं कि फिलहाल जो हमने 10 लोग को पिक किया है गिव अवे के लिए वो कौन से लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लोडिंग के लिए टाइम लेगा, मैं इसको फास्ट फास्ट कर लूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट वाले को हटा देता हूँ। ग्रेट, अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे 10 लोग हैं बेसिकली जिसको गिव अवे मिल रहा है। और अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको नीचे अच्छा सा पॉजिटिव कॉमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करना है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन इन 10 लोगों को। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा है हर किसी का, तो ये 10 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, इनको इसमें से मैं एक खुद बन गया हूँ, तो 9 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और इन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस करंट वीडियो के अंदर आपको आपका टॉन कीपर का एड्रेस कॉमेंट करना है ताकि आपको मैं गिव अवे सेंड कर सकूँ। गिव अवे जो आपको मिलेगा 24 घंटे के अंदर डिलीवर किया जाएगा। वापिस देख लो, पूरा 10 लोग है, उसमें एक मैं हूँ, तो 9 लोग यहाँ पर है और ये सब इनकी आईडी है। इन्हीं आईडी से आपको बेसिकली कमेंट करना है आपका टॉन कीपर का एड्रेस इसी कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके अंदर। और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको बता दो, वीडियो को लाइक करो, अच्छे से पॉजिटिव कमेंट करो, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करो अगर आप अगले वीडियो में गिव अवे को अचीव करना चाहते हो। तो जो लोगों ने जीत चुके हैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फटाफट जाकर अपना टॉन कीपर का एड्रेस कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दो। अल्टकॉइन्स पे जाने से पहले सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस कर लेंगे। बिटकॉइन क्या सूरत हाल दिखा रहा है ये भी हमको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। सो अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो फिलहाल टेक्निकली बिटकॉइन कोई खास सिग्नल नहीं दे रहा है कि जिस बेस पर हम प्रेडिक्शन करें कि हाँ मार्केट ये सिनेरियो कर सकता है, ना हमको डेली टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा हमको जो करंट वीक का कैंडल है वो बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट आज फ्राइडे है, कैंडल क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कैंडल क्लोज होता है तो डेफिनेटली ये बुलिश एंगल्फिंग बनेगा और सपोर्ट के ऊपर भी है, तो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि फिर अगला वीक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन पूरा वीक अभी क्लोजिंग होना बाकी है, मंडे के दिन कन्फर्म होगा कि ये बुलिश एंगल्फिंग बनता है या नहीं बनता है। बाकी मंथ की अगर हम बात करें तो मंथली सिनेरियो भी काफी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि जो करंट मंथ हमारा रहेगा वो एटलीस्ट $58,000 के अबव क्लोजिंग हो, तो वो तो आने वाले टाइम के अंदर हमको पता ही चल जाएगा। मेन चीज अभी यहाँ पर ये है जो सितंबर मंथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 18th of September को ऑलमोस्ट इंडिया टाइम रात 11:30 बजे फेडरल फंड रेट्स का अनाउंसमेंट होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत उम्मीदें लगाई गई है कि भाई ये जो करंट सेप्टेम्बर यानी जो 18 सेप्टेम्बर आएगा उस टाइम में पॉसिबल है कि भाई इंटरेस्ट रेट को कट डाउन किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको बिटकॉइन प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलेगा, अल्टकॉइन के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो देखने की बात यही है कि भाई इस बार क्या अनाउंसमेंट होता है, क्या फेडरल रिजर्व की ओर से कि ये अनाउंसमेंट होता है क्या, यस अभी हम करंटली इंटरेस्ट रेट कट डाउन करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट कट डाउन की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि वो कितना कट करेंगे। जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि वो 1% तक कट कर सकते हैं, बहुत से एक्सपर्ट का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 0.25% तक का इंटरेस्ट रेट कट डाउन हमको होते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए भाई, इंटरेस्ट रेट कितना भी कट डाउन हो, एक बार इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाए, एक बार यूएस के इलेक्शन हो जाए, देन मार्केट के अंदर हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। तो फॉर श्योर इतना है, ये मंथ नहीं तो अगले मंथ तक इंटरेस्ट रेट कट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन यही है कि सेप्टेम्बर मंथ में ये अनाउंसमेंट बेसिकली हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कितना कट डाउन होना स्टार्ट होने वाला है। और देखिए, कॉइन्स के ऊपर आने से पहले मैं आपकी थोड़ी सी नजर डालना चाहूंगा उन सेक्टर्स के ऊपर जिसके अंदर अभी तक मार्केट ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, वो है बेसिकली गेमिंग सेक्टर। अगर आप गेमिंग सेक्टर की बात करते हो तो फिलहाल वक्त के अंदर जो गेमिंग सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 16.24 बिलियन के करीब का चल रहा है, जिसके अंदर 723 कॉइन्स यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर हम पिछले साल की बात करते, लास्ट ईयर जो 2021 का बुल रन था,
उस टाइम जो गेमिंग सेक्टर ने हिट किया था, नियरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 49 मतलब 50 बिलियन राउंड फिगर हम कह सकते हैं कि 50 बिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यूएशन यहाँ पर हिट हुआ था गेमिंग सेक्टर के अंदर, और अभी के टाइम के अंदर मार्केट कैप 16.24 बिलियन है। मतलब स्टिल लॉट मोर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बाकी है, और ये चार्ट आपको देखने को मिल रहा रहेगा जहां पर मार्केट देखो एग्जैक्टली बॉटम क्रिएट किया था यहाँ पर। और अगर हम लो की बात करते हैं ना, तो एग्जैक्टली 2022 के अंदर जो मार्केट ने लो क्रिएट किया था 5.96 बिलियन के करीब किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने यहाँ पर हाई जाना स्टार्ट किया था, और मार्च 2024 के अंदर मतलब समझो 7 बिलियन से उठकर मार्केट 38 बिलियन तक गया था। और उसके बाद अभी हम सबने देखा है मार्केट करेक्शन कर रहा है, और हम सभी को बताएं इस मंथ के बाद मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम इन कर लेगा और फिर से हमको मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो करंट हमारा मार्केट साइकिल है उसके अंदर हमको एक अच्छी खासी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गेमिंग सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप मीम कॉइन को देखेंगे तो मीम कॉइन का जो ट्रेंड हमको देखने को मिला था ऑलमोस्ट सेम वही मार्च 2024 के अंदर, जहां पर 21 बिलियन से मार्केट हिट किया था 61 बिलियन डॉलर के करीब, अभी के वक्त पे 38 बिलियन का मार्केट वैल्यूएशन यहां पर चल रहा है। और कहीं ना कहीं मीम सीजन ने अच्छा खासा लोगों को पैसा कमा कर भी दिया है, और मेरे ख्याल से मीम सीजन अभी थोड़ा ठंडा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक ही चैप्टर नहीं चलने वाला है। लास्ट बुल रन में हमने देखा था डीफाई चला था, ICO का ट्रेंड चला था, IO का ट्रेंड चला था, राइट है, मल्टीपल सेक्टर्स हमने वहां पर देखा था जहां पर मार्केट ने मोमेंटम बनाया था। तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई अल्टकॉइन के अंदर ऑलरेडी मीम सीजन के अंदर ऑलरेडी हमने काफी मीम्स देखे हैं जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए हैं और मार्केट वैल्यूएशन भी उनकी अच्छी खासी हिट की है। क्योंकि अगर हम 2021 के बुल रन की बात करते हैं तो उस वक्त का जो मार्केट कैप था मीम सीजन का, मीम कॉइन का 84 बिलियन के करीब था। तो इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनेगा जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा अल्टकॉइंस के अंदर, स्पेशली गेमिंग अल्टकॉइंस के अंदर, तो वो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल सकता है। इवन अगर आप पिछले वन ईयर का हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पर कुछ गेमिंग कॉइन्स है जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए, जिसके गाला हो गया, राइट है, नोट हो गया, नोट कॉइन हो गया जो रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च हुआ है, बीम हो गया, IMX हो गया। लेकिन फिलहाल मैं टेक्निकल बेस पे कुछ अल्टकॉइंस चूज किया हूँ जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ इन अल्टकॉइंस के अंदर बेसिकली हमको हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट। जो नंबर वन अल्टकॉइन हमारा है बेसिकली गेमिंग के लिए वो है गाला। गाला USDT के ऊपर आपको नजर रखना है, इसको मेन रिकमेंड करने का मेन जो मकसद है वो बेसिकली यही है कि यहाँ पर टेक्निकल के हिसाब से मार्केट अपने जोन को होल्ड कर रहे हैं। देखिए अगर आप गाला की बात करते हो तो फिलहाल वक्त के अंदर आप देखो ऑल टाइम हाई से मार्केट ऑलमोस्ट 98% का करेक्शन कर चुका है, और अगर हम यहाँ पर गाला को ढूंढने की कोशिश करें तो 95 नंबर पर रैंक करता है, प्राइस 0.017 सेंट के करीब का यहाँ पर चल रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि इसके अंदर अभी भी हमको एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस ये दे सकता है। और मेन जो टेक्निकल बेस में बता रहा हूँ, फंडामेंटल में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस मेरा नहीं होता, मेरा पूरा फोकस जो होता है वो टेक्निकल बेस पर होता है। देखिए लास्ट टाइम फैब के अंदर हमने इसको रिकमेंड किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 260% का वहां पर प्रॉफिट हुआ था, और करंटली मार्केट उसी जोन पे वापस आ चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप गाला को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो अंटिल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अंटिल आपको यहां पर इस पूरे जोन के अंदर कोई रिवर्सल कैंडल नहीं मिलती है, तो आपको वॉच लिस्ट में इसको ऐड करना है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चाहे मंथली टाइम फ्रेम होने दो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम होने दो या डेली टाइम फ्रेम होने दो, कोई ना कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक कंफर्मेशन यहाँ पर होगा, रिवर्सल पैटर्न कंफर्मेशन होगा, और आपके लिए एक दोबारा एक अपॉर्चुनिटी गाला में बन जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये भी एक बुलिश पैटर्न है, राइट है, और अगर आप चाहते हो तो कुछ कंफर्मेशन का वेट करो, कुछ कैंडलस्टिक बनेगा मुझे पूरा श्योर है, और उसके बाद आप एंट्री लोगे तो आपको अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर ब्रेकआउट। लेकिन अगर आपको कोई रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो आप वेट करो जब तक मार्केट इस ट्रेंडलाइन को अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं करता है, हरी बात समझ में। तो ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट होना मस्ट और मस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बिलो जितने भी एक्यूमुलेशन जोन मिलेंगे वहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। और स्टॉप लॉस की अगर बात करूं तो 0.1258 स्टॉप लॉस यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1258 जो कि ऑलमोस्ट 2023 का लो है, अगर आप चाहो उसके नीचे तो 0.11 सेंट के करीब भी आप दे सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल कंफर्मेशन का यहाँ पर वेट करना है। नंबर वन कि भाई कोई ना कोई पैटर्न बने, टेक्निकल पैटर्न बने, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, रिवर्सल पैटर्न बने,
डेफिनेटली अगर आपको मिलता है फॉर श्योर आप डेली के हिसाब से उसमें एंट्री कर सकते हो अगर रिवर्सल पैटर्न मिलता है। नहीं मिलता है तो वेट करो ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है उसके ब्रेकआउट का। एक बार ये ब्रेकआउट हो जाए ना तो इजीली मार्केट अपसाइड में जा सकता है। और मैं पर्सनली बिलीव कर रहा हूँ कि पिछले अगर आप मंथली चार्ट देखोगे ना, मैं आपको मंथली चार्ट के हिसाब से भी बता देता हूँ, तो ऑलमोस्ट पिछले कितने महीने से 640 दिन से मार्केट एक ही जोन में घूम रहा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट में एक अचानक वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव है और ये कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई इस वाले जोन के बिलो मार्केट को नहीं जाने देना है। तो भाई पूरी नजर रखो इसके ऊपर, जैसे ही कुछ रिवर्सल कंफर्मेशन मिलेगा तो आप इसमें एंट्री अपना बना सकते हो, क्योंकि जो पिछला ऑल टाइम हाई वो ऑलमोस्ट 3000% है, लेकिन मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट हम 1000% यहाँ से निकाल सकते हैं, तकरीबन 20 सेंट के करीब तक हम एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं कि हाँ मार्केट वहां तक टेस्ट कर सकता है। दोबारा रिपीट कर दूं, एक तो कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का वेट करना है, पैटर्न ब्रेकआउट का वेट करना है, जब तक ये दो कंफर्मेशन नहीं मिलेंगे एंट्री नहीं करना है। जब ये कंफर्मेशन मिल जाएंगे तभी आपको बेसिकली इसके अंदर एंट्री बनानी है। तो सेकेंड ऑल्टकॉइन हमारा है बेसिकली वो है पिक्सल। पिक्सल को रिकमेंड करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि भाई ये भाई फर्स्ट बुलरन मतलब लॉन्च होने के बाद का पंप हुआ और उसके बाद का करेक्शन यहाँ पर बना हुआ। अगर हम पिक्सल को यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि भाई पिक्सल किधर है, मिल जा भाई काज में। ये देखिए 261 नंबर पे यहाँ पर ये रैंक कर रहा है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्राइस काफ़ी ठीक है, 0.1365 के करीब का प्राइस यहाँ पर अभी के वक्त के अंदर चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 86% अभी भी डाउन है, 6 मंथ हो चुका है करेक्शन को हुए, और ऑब्वियसली बात है बायनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, बड़े एक्सचेंज पे भी मतलब लिस्टेड होना एक बड़ी बात होती है। ऑलमोस्ट 14 करोड़ और के करीब का इसका मार्केट वैल्यूएशन है और रैंक मतलब 260 के करीब है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि हाँ मार्केट के अंदर यूज अपॉर्चुनिटी है उसको पॉजिटिव में ग्राफ करने के लिए। अगर आप कम्युनिटी सपोर्ट देखेंगे, सेंटीमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर फिलहाल वक्त के अंदर 78% बुलिश सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और सभी के सभी ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पर बुलिश के चार्ट्स वगैरह शेयर हो रहे हैं। मैं ट्विटर को देखकर नॉर्मली कॉइन नहीं शेयर करता हूँ, मेरा मेन मकसद यही होता है कि हाँ टेक्निकली मुझे कुछ मिले और टेक्निकल मुझे कुछ दिख रहा है, इस वजह से आपके साथ मैं ये कॉइन शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन चीज़ जो रिकमेंड करने का मेन मकसद है ये है कि भाई ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 90% करेक्शन कर चुका है। सेकेंड चीज़ जो मुझे पर्सनली देखने को मिल रही है वो ये है कि अगस्त 2024 के अंदर मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया था और एक बड़ी वीक वाला कैंडल जो शेडो जिसको हम कहते हैं यहाँ पर बनाया था। नॉर्मली जहाँ पर भी इतना बड़ा शेडो होता है तो वो एक डिमांड का साइन होता है, एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर बेसिकली एक ह्यूज डिमांड है, तो हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ये डिमांड के बिलो मार्केट कभी नहीं जाएगा फिलहाल वक्त के लिए, ठीक है। तो आपको अगर एंट्री करना है तो आप एंगल्फिंग के बेस पर इसमें एंट्री करना चाहो तो एंट्री कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 0.99 सेंट, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 0.99 सेंट। देखिए ऑब्वियसली बात है ऐसा कोई गारंटेड चीज नहीं होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या वो 100% ऊपर ही जाएगा, तो स्टॉप लॉस यूज करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट टारगेट आपको जो देना है 17 सेंट के करीब आप आपका फर्स्ट टारगेट दे सकते हो। सेकेंड टारगेट अगर आपको देना है तो ऑलमोस्ट आप 21 सेंट के करीब दे सकते हो, और उसके बाद का जो टारगेट है 33 सेंट बोलो, 51 सेंट बोलो, या ऑल टाइम है प्राइस 94 सेंट के करीब आप चाहो तो दे सकते हो। दोबारा रिपीट कर दूं, अभी एंट्री लेना रिस्कियर हो सकते हो, ऑब्वियसली बात है अभी तक जो टेक्निकल फॉर्मेशन पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है वो ब्रेकआउट नहीं हुई है, तो अगर आप अभी एंट्री करते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क आपका वहां पर इन्वॉल्व है। आप अगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन एंट्री चाहते हो तो वेट करो यहाँ से मार्केट के ब्रेकआउट का और पुल बैक का, या अगर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करो। जब आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल जाएगा डेफिनेटली आप चाहो तो उस टाइम पे एंट्री अपना बना सकते हो। याद रखो स्टॉप लॉस के बिना एंट्री नहीं करना है, 0.099 सेंट के करीब का आपका स्टॉप लॉस है, तो भाई स्टॉप लॉस अगर लगा सकते हो, हिम्मत है अगर स्टॉप लॉस यूज करने की तो ही इसमें ट्रेड लो, क्योंकि ये थोड़ा रिस्कियर हो सकता है। रिस्कियर क्यों रहेगा, रिस्कियर इसलिए रहेगा क्योंकि इसकी जो रैंक है वो काफी ज्यादा लो है, लो मार्केट कैप वाला कॉइन है, तो ऑब्वियसली बात है रिस्क इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं वहां पर रहता ही है। अरे बात समझ में, तो स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, मल्टीपल एंट्रीज आपको दिया हो और मैंने आपको रीजन बता चुका हूँ कि क्यों गेमिंग सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको उस पर नजर रखनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस इतना वीडियो था, उम्मीद करूँ आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ चुका, और उम्मीद करूँ आपने अभी तक पॉजिटिव कमेंट भी कर दिया रहेगा अगर आपको अगले वीडियो में गिव अवे चाहिए, तो फटाफट कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
200 लाइक्स का टारगेट है, मुझे उम्मीद है 200 लाइक्स का टारगेट आप फटाफट कंप्लीट कर दोगे। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लेकिन दोबारा रिपीट कर दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने ओन रिस्क और रिसर्च पर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। टेक केयर।